हेलो एवरीवन, वेरी 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 वॉर्म वेलकम टू केल्विन इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल दोस्तों आपके? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम बिंदास पढ़ाई चल रही होगी नीट 2021 की, क्योंकि इस साल हमें एनी हाउ मेडिकल कॉलेज या मैं कहूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना ही लेना है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है यार, हम लोग लगातार आप लोगों के लिए हर एक स्टेट के बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस जो है वो लेकर आ रहे हैं। अब मेरा मन ये कर रहा है कि भाई मैं जल्दी से हर एक स्टेट के जो टॉप कॉलेजेस है पहले उनको आपके सामने ले आऊं, ताकि आपको एक पता चल जाए कि जो मोटा मोटा टारगेट है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस के टारगेट है, वो आपको क्लियर रहे कि हाँ, अगर मुझे इस स्टेट में जाके ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग लेनी है, एडमिशन लेना है, तो मुझे इतने स्कोर तो चाहिए ही चाहिए। तो आप लोगों को पता है यार, आप लोगों को क्या करना है। अगर आप लोग हमारी वीडियो बार बार देख रहे हैं और अगर आप लोग पहली बार आए हैं, तो आपको एक रूल पता होना चाहिए कि जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के हमें ग्रीट करना है। हम सब लोगों को ग्रीट करना है, जितने भी यहाँ पे फ्यूचर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी कमेंट साथ में लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद आए, अपनी पैशन, अपना ड्रीम या आपका जो भी ये गोल है जिसको आप अचीव करने वाले हैं इस 2021 में, उसमें। नेक्स्ट, ये कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे, फ्यूचर डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े थे, जैसे कि डॉक्टर कृतिका कुमारी हैं, डॉक्टर रंकेश साहू हैं, डॉक्टर रोहित हैं, डॉक्टर शिवम हैं, डॉक्टर सरल्या कुमार दास हैं, और ये कह रहे हैं कि मेरा ड्रीम कॉलेज है भैया एम्स न्यू दिल्ली। बिल्कुल भाई, सबका है, बहुत सारे बच्चों का है। एक मैं कमेंट पढ़ रहा था जहां पर एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि मेरा ड्रीम कॉलेज है एम्स दिल्ली, और वहां पर ये लिखा था कि भाई सिर्फ तुम्हारा नहीं और बच्चों का है। और उसी के नीचे एक और बच्चे ने कमेंट लिखा हुआ था, नॉट ओनली योर्स, 14 लाख स्टूडेंट्स, 14-15 लाख जो बच्चे नीट के देते हैं, सब लोग यार डेफिनेटली एम्स दिल्ली को प्रेफरेंस सबसे ऊपर देते हैं और ड्रीम कॉलेज भी है। बट यस, 100% आपके लिए एक एक्यूरेसी जो है, एक आप ये कह लीजिए कि आपकी जो मेहनत है वो तभी सिंक्रोनाइज हो पाती है जब आप सारी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपकी एक जो एनालिटिक्स है जिसको हम कह सकते हैं वो हो। तो हम दोनों तरीके से आपके सामने सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के बाद में। अब ये पूरी वीडियो आराम से देखो, उसके बाद बात करेंगे उसके लिए, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और बात करते हैं सबसे बढ़िया कॉलेज की आज, जो है SMS जयपुर। जी हाँ, ये एक ऐसा कॉलेज है दोस्तों जो ऑल इंडिया कोटा में, अगर मैं कुछ प्रेफरेंसेस की बात करूं कॉलेजेस की, तो वहां पर ये नाम शामिल होता है। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों की ही बात करेंगे कि कितने मार्क्स और कितने रैंक चाहिए। बहुत ही क्विक वीडियो होगी, जल्दी से आपको एनालिटिक्स दे देंगे और उसके बाद आप अपने टारगेट को सेट कर लीजिएगा अपने टेबल पे, दीवार पे, जहां भी करना है, और अपने पढ़ाई को रिज्यूम करिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों SMS जयपुर की, ऑल इंडिया कोटा से, कि भैया अगर आप लोग जयपुर में नहीं है, मतलब कि राजस्थान में नहीं है, तो आपको कितने मार्क्स और कितनी रैंक तक आना पड़ेगा। तो लास्ट ईयर की क्लोजिंग की बात करें दोस्तों, तो जनरल कैटेगरी जो लास्ट ईयर क्लोज हुआ था भाई, वो हुआ था 671 पे। इस 671 मार्क्स पे या 670 की रेंज में आपने देखे होंगे हमारी एम्स की पिछली वीडियोस, जहां पर बहुत सारे एम्स जो है वो लाई कर रहे हैं, ठीक है। टॉप 500 नहीं, बट हां उसके अगर नीचे आ जाएंगे तो बहुत सारे एम्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। 1185 रैंक पे क्लोज हुआ, ठीक है। आप लोगों का टारगेट हमेशा से ये होना चाहिए कि जो लास्ट ईयर की एनालिसिस है, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है, उतना तो रहना ही है, क्योंकि देखो हम सबको बताया कि 720 मार्क्स जो है वो इस बार बच्चे के आए हैं टॉपर, तो इससे ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं जा सकते। ये हो सकता है कि पहले दो बच्चे आए हैं, हो सकता है 5 आ जाए, तो आपको अपना जो कंपटीशन है वो उतना रखना है, कट ऑफ उतनी रहेगी, बस अपनी स्ट्रांग जो एनालिसिस है पढ़ाई के साथ साथ उस एनालिसिस को भी करते जाना है, क्योंकि ये नीट का जो एग्जाम है भाई, ये बहुत बढ़िया एग्जाम है, इसमें एनालिसिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बात करें OBC कैटेगरी में, तो 670 मार्क्स क्लोजिंग हुई थी, 1203 रैंक पे दोस्तों ये क्लोज हो गया था। जल्दी से फटाफट से बता दीजिए कि ये जो एनालिसिस है, ये जो आपको यहाँ पर एनालिसिस दिख रहा है, क्या आपने अभी टारगेट सेट करा है, नहीं करा है? अगर नहीं करा है तो बेटा बहुत जल्दी अपनी दीवारों पे लिख दो, छाप दो कि अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो इतने मार्क्स तो लाने चाहिए आपको। अगर SC कैटेगरी की बात करें दोस्तों, तो 630 यहाँ पर 8454 पे क्लोज हुआ था। ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 627 जो क्लोजिंग थी वो यहां पर आई थी, और जो रैंक थी वो थी 9253। अगर आप लोगों को इस कैटेगरीज, अगर आप इन कैटेगरीज में हैं और आपको ये कॉलेज चाहिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो भाई आपको इतने मार्क्स तो मिनिमम स्कोर करने ही पड़ेंगे, इससे कम की तो बात ही नहीं है। और अगर बात करें EWS सेक्शन की, तो बिल्कुल साथ ही चल रहा है भाई जनरल और EWS के साथ चिपक चिपक के, कि भैया मैं तो ज्यादा रिलैक्सेशन तो लेने दूंगा ही नहीं, बट हाँ 100% जो रेफरेंस है, जो रैंकिंग है, उस पर काफी डिफरेंस पड़ जाता है। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 1185 और 1212, तो करीब आपके 15 और 12-27 रैंक का डिफरेंस पड़ रहा है, तो बहुत होता है यार, एक कॉलेज लेने के लिए एक रैंक बहुत मैटर करती है। तो ये दोस्तों हमने बात करी यहां पे ऑल इंडिया कोटा की। अब अगर हम बात करें स्टेट कोटा की, तो कुछ रिलैक्सेशन तो मिलता होगा डेफिनेटली, तो देखते हैं क्या रिलैक्सेशन मिलता है जो स्टेट कोटा में, यानी कि 85% कोटा की काउंसलिंग में बैठेंगे जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। चलिए यहां पर क्या है भैया, जनरल का 671 से आ गया 663 पे, तो करीबन 8 मार्क्स का डिफरेंस हुआ। बट अगर आप रैंक का डिफरेंस देखोगे, देखो यहां पर मैं आपको रैंक का डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं, अगर आप लोग रैंक का यहां पर डिफरेंस देखोगे, एक सेकेंड, यस,
अगर आप लोग रैंक का डिफरेंस देखोगे 1185 से यहाँ पर हुआ 1894, तो भाई 700 रैंक का डिफरेंस, 600 रैंक का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो ये फायदा जनरली होता है स्टेट कोटा के लिए। अगर जनरल की बात करें 663 पे आपकी रैंकिंग क्लोज हुई, मार्क्स क्लोजिंग हुई और रैंक हुआ 1894 पे। अगर आप लोग हो जनरल कैटेगरी में और आप हो स्टेट कोटा से बिलोंग करते हो, मतलब कि राजस्थान से बिलोंग करते हो, आपने वहाँ का डोमिसाइल है, आप जो पूरा सर्टिफिकेशन है सारी चीज़ें वहाँ से हैं, तो 663 से नीचे मतलब कि 665-670 से नीचे सोचना नहीं है अगर ये टॉप का कॉलेज चाहिए राजस्थान का। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो 650 से ऊपर स्कोर यहाँ पर गया था 657 और जो क्लोजिंग थी दोस्तों वो थी 2572। ये पूरा का पूरा डेटा आपके सामने मैंने रख दिया है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन की बात करें तो 651, 3518। जनरली आप ये देखोगे कि अगर स्टेट कोटा की बात होती है तो वहाँ पर ईडब्ल्यूएस जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा रिफर कर जाता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर करीबन 8 से 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है और रैंक में आप देख सकते हो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। एमबीसी कैटेगरी एक होता है आपका, 631 पे क्लोजिंग हुआ था 1119 रैंक पे। एससी कैटेगरी की बात करें अगर तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर ये शायद रैंक गलत है, ये वाला जो रैंक है ये गलत है, इसको मैं रेक्टिफाई करके कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 595 यहाँ पर क्लोजिंग थी मार्क्स की और जो रैंक थी वो थी 22133। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 589 मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए हो रहे थे, लास्ट ईयर की ये क्लोजिंग बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एमसीसी की जो वेबसाइट है वहीं से उठाया रिजल्ट आपके सामने रखा है बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर में, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी लंबी अच्छी खासी पीडीएफ होती है, ये तो आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग है तो वहाँ से मिलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई मैनर में करके दे दिया है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 443 पे क्लोज हुआ और 138493 रैंक गई। सो अगर आप लोग बिल्कुल तैयार हो कि भैया एसएमएस जयपुर के लिए जाना है, मुझे इस कॉलेज के लिए जाना है, तो भाई आपको इतना टारगेट सेट करना पड़ेगा। दोनों मैंने आपको कैटेगरी बता दी है, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, दोनों तरीके से आप जा सकते हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि भैया अगर मुझे इस कॉलेज में जाना है तो मुझे इतना टारगेट मिनिमम से मिनिमम सेट करना ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही पूरी की पूरी एसएमएस जयपुर की बात, रेदर इसके अलावा हम लोग लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की, जो हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं यहां पर नीट 2021 के कैंडिडेट्स के लिए। तो उसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा और समझते हैं कि कैसे आप उस एप्लीकेशन को अवेल कर सकते हो। सो ये है वो दोस्तों ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो कि है स्पेशली नीट 2021 कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें होंगे भाई पूरे 10 पेपर, जी हाँ, जो होंगे नीट पैटर्न पे। एवरी मंडे हम आपका टेस्ट लेंगे, विंडो ओपन होगी दोस्तों, याद रखिएगा ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, शाम को 2 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब 2 PM to 8 PM आपके ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के टेस्ट होंगे, कंडक्ट होंगे। आप इसके बीच में कभी भी एग्जाम दे सकते हो, बट ये याद रखना कि 8 बजे विंडो क्लोज हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हो तो 5 बजे आपके लिए लास्ट टाइम है, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होगा, तो 5 to 8 आप दे सकते हो। अगर आप इतना तेज हो कि आप 2 घंटे में खत्म कर लोगे तो भाई 6 बजे अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट सीरीज होने वाली है दोस्तों, आपको इससे एक रैंकिंग मिलने वाली है ऑल इंडिया बेसिस पे। आपको ये पता चलने वाला है कि भैया जो आंध्र प्रदेश का बच्चा है, जो पंजाब का बच्चा है, जो बिहार का बच्चा है, जो यूपी का बच्चा है, वो मुझसे कितना आगे है, कितना पीछे है। तो ये इस नीट 2021 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मिलेगा कहां पे और इसका कितना पैसा देना है? तो भाई इसका पैसा बिल्कुल नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर आप कट ऑफ तो प्रोवाइड करा रहे हो बट थोड़ा सा हमें गाइड करिए नीट 2021 के लिए। तो हमने आपके लिए कुछ एनसीईआरटी की मास्टर सीरीज वीडियोस लेकर आए हैं, अभी बहुत ही जल्दी हम लोग आपके लिए पीवाईक्यू लेके आने वाले हैं, जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले हैं पिछले 5 साल के नीट के, जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों, ये आपको मिलेगी हमारी केल्विन की एप्लीकेशन पे। यहां पर आप देख सकते हो केल्विन की एप्लीकेशन है, और इस केल्विन की एप्लीकेशन को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप iOS यूज कर रहे हो यानी कि आईफोन यूजर है, तो उसके लिए हमारी डेस्कटॉप वर्जन वेबसाइट अवेलेबल है, उसका लॉगिन डिटेल भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लोग एक्चुअल में यार सीरियस हो इस नीट 2021 के लिए, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो एप्लीकेशन है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रोल प्ले करने वाली है। इस एप्लीकेशन के आपको अंदर दोस्तों मॉड्यूल्स मिलने वाले हैं, जो कंपटीशन मॉड्यूल होते हैं, जिसमें लाखों रुपए इंस्टीट्यूट्स को आप देते हो कोचिंग के, वो आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अलोंग विद दिस टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमेशा हम लोग आपके लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आते रहेंगे नए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को और इस एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड करो, अगर आपका सपना एक्चुअल में है MBBS करना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट। Thank you.